सीकर में पुलिस ने एक डकैत का एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में एक अन्य डकैत घायल हो गया। दरअसल बीकानेर के मुवासर गांव में 6 डकैतों ने 6 दुकानों में लूटपाट की। इस मौके पर गुजर रहे राहगीरों ने शोर मचाया तो बदमाश भाग निकले। सूचना के बाद पुलिस ने डकैतों का पीछा किया। बीकानेर, रतनगढ़, फतेहपुर, सीकर की पुलिस डकैतों के पीछे लगी और इस बीच बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर रतनगढ़ पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने नाकाबंदी तोड़ दी और भागने लगे। लुटेरे हाईवे छोड़कर फिर से गांवों में घुसे और भागने का प्रयास किया। इसी दौरान रामगढ़ ढांडड़ जाने वाली सड़क पर डकैतों और रामगढ़ पुलिस का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से गोलियां चली और फायरिंग में डकैत सुरेश मीणा मारा गया, वहीं एक घायल हो गया। अन्य डकैत कैंपर गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में गायब हो गए। उनकी तलाश के लिए सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मोमासर में डकैती का मामला सामने आया और पुलिस ने नाकाबंदी कर जो अपराधी है उनको, एक अपराधी को ढेर कर लिया। फिलहाल आप गाड़ियां देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहां पर जो सर्च अभियान है वो यहां पर चला रही है और लगातार जो अपराधी हैं जो पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे उनकी धरपकड़ यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर पुलिस और अपराधियों के बीच आमना सामना हुआ था। ये जो रोड है ये ढांडन रोड की तरफ कहलाती है और ढांडन की तरफ से आती है और चूरू जो हाईवे है वहाँ पर जाकर मिलती है। इस रोड से ही अपराधियों के आने की जो बात है वो पुलिस को मिली थी। उसके बाद में इसी जगह पर पुलिस ने अपनी जो नाकाबंदी है वो यहाँ पर की थी और नाकाबंदी करने के बाद में जब अपराधी बड़ी स्पीड में अपनी जो गाड़ी कैंपर गाड़ी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने टक्कर यहां पर मारी जिसके कारण जो गाड़ी है वो यहां पर पलट गई और इसी बीच पुलिस और अपराधियों के बीच में फायरिंग की जो घटना है वो भी यहां पर हुई। और उस फायरिंग की घटना के बाद एक बदमाश जो अजीतगढ़ का बताया जा रहा है सुरेश मीणा, उसकी मौत हो गई। जैसे ही यहां पर गाड़ी पलटी और उसके बाद में ये जो बीहड़ आप देख सकते हैं ये जंगल है, इस जंगल में जो सभी जो अपराधी थे वो अपने जो साथी हैं उसको यहां पर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार सर्च अभियान इस जंगल में चला रही है ताकि जो अपराधी है उन्हें पकड़ा जा सके। फिलहाल जो अपराधी मारा गया है वो सीकर का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है और अब उसकी जो बॉडी है वो सीकर के मोर्चरी में रखा दी गई है और जो मामले की जो जाँच है वो लगातार की जा रही है। IG जयपुर रेंज और बीकानेर रेंज के जो IG हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार उनके निर्देशन में जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं ये वो बीहड़ है, ये वो जंगल है जहाँ पर अपराधियों की गाड़ी जब यहाँ पर पलटी तो उसके बाद में जो अपराधी हैं वो इसी जगह से भाग गए। फिलहाल जो पुलिस के जो टीम है वो लगातार सर्च अभियान यहाँ पर चला रही है, लेकिन सेकावाटी का इलाका है और बारिश का जो दौर है वो भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही जो अंधेरा है वो भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन बीहड़ के अंदर किस तरीके से जो पुलिस है वो अपराधियों को पकड़े इसके लिए उन्होंने एक नया जो प्लान है वो यहाँ पर बनाया है। अब ऊँटों के जरिए पुलिस यहाँ पर अपराधियों को पकड़ने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है। आसपास के जो गाँव है वहां से जो ऊँट है वो लिए जाएंगे और उसके बाद में सादा वर्दी के अंदर जो पुलिसकर्मी है वो ऊँटों के ऊपर बैठेंगे और इस पूरे इलाके के अंदर अपना सर्च जो अभियान है वो चलाएंगे ताकि जो अपराधी हैं उन्हें जल्द पकड़ा जा सके। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस की जो टीमें हैं वो भी सर्च अभियान चला रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही बाकी बचे अपराधी पुलिस की सलाखों के पीछे होंगे। कैमरा पर्सन जोगेंद्र सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच बेधड़क, जयपुर। और चलिए इस खबर पर अब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सतवीर सिंह। सतवीर, फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं अंधेरा बढ़ता अब जा रहा है और ऐसे में सर्च अभियान भी पुलिस की ओर से लगातार चलाया जा रहा है अन्य आरोपियों को ढूंढने का, तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि सच बेधड़क ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और एक एक पल की जो खबर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है पूरे इलाका जहाँ पर, क्योंकि जंगल है, बीहड़ है और इस बीहड़ के अंदर ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी धीरे धीरे जो अंधेरा है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में मुश्किलें जरूर है, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी और जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी जो अपराधी हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुद IG जो उमेश चंद दत्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से जो एक ड्रोन है वो यहाँ से उड़ाया गया है, वो ड्रोन पूरी तरीके से पूरे जंगल में यहाँ पर घूमा है ताकि पूरी तरीके जो मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा सके। एक एक जंगल को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, एक एक जगह को बड़ी बारीकी से तलाश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो बदमाश जब मुठभेड़ हुई थी मुठभेड़ के बाद में यहाँ से कब रवाना हुए थे, किस ओर वो गए हैं, उसका भी पता लगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड
की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई थी और पूरी तरीके से जो पूरे जो इलाका है उसकी छानबीन यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये जो इलाका था उसको वहाँ पर जो जो अपराधी जहाँ पर गए थे उसका जो पता लगाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई थी। और जो आप तस्वीरें देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, डॉग यहाँ पर मौजूद है और पूरे यहाँ पर जंगल में जो सर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। खुद जो आईजी हैं उमेश चंद दत्ता वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो घटना हुई थी, घटना होने के बाद में बदमाशों का खौफ देखिए कि वहाँ पर करीबन पुलिस की जो सूचना मिलने के बाद में जो नाकाबंदी है वो लगाई गई थी, उन नाकाबंदी को जो बदमाशों ने तोड़ा और तोड़ने के बाद में पुलिस पर फायरिंग भी की, फायरिंग भी ऐसा नहीं है बड़ी मात्रा में जो फायरिंग है वो यहाँ पर की थी, जिसके कारण से एक जो बदमाश है उसकी यहाँ पर मुठभेड़ में जो मौत है वो यहाँ पर हो गई थी। बाकी जो बदमाश है वो अपने साथी को यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, उसके बाद में इन्हीं भीड़ के जंगलों में वो चले गए थे और पता लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है ताकि बदमाश को जल्द से जल्द यहाँ से जो गिरफ्तार है वो किया जाए। फिलहाल आप पूरा तस्वीरें पहले आपको एक्सक्लूसिव यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं पुलिसकर्मी है यहाँ पर हथियारबंद तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं, पूरे जंगल की यहाँ पर पूरी तरह मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है, एक एक जो कोशिश है वो की जा रही है कि ताकि जो अंधेरा जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये काफ़ी जो परेशानी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जब अंधेरा बढ़ेगा तो जो बदमाश हैं क्योंकि ये इतने बड़े जंगल के अंदर ये नहीं हो सकता कि वो इतने आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो छुपे हुए हैं और उनको पता लगाने की जो कोशिश है वहाँ पर की जा रही है। ड्रोन की मदद से भी पूरे जंगल में यहाँ पर जो ड्रोन है उसको यहाँ पर जो निगरानी के तौर पर उड़ाया गया था पूरी जंगल की, और खुद आई जी हैं उमेश चंद दत्ता वो खुद मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं, खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी तरीके से पता लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि बदमाश को जल्द से जल्द यहाँ पर जो गिरफ्तार है वो किया जा सके। हम उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो पहुँचे हैं, और आप देखते हैं कि अधिकारी मौजूद हैं, हम सर से बात करेंगे, सर हमारे साथ में हैं, सर मौके पर पहुँचे हैं, अब धीरे धीरे जो अंधेरा है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, कहीं ना कुछ परेशानियां होगी लेकिन फिर भी उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस की जो टीमें हैं उनको क्लू भी मिल रहे हैं। देखिए सारा उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीम्स को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें स्निफर डॉग्स की भी टोली बीच में भेजी गई है और ड्रोन्स हैं और साथ में लोकल जो अपने साथीगण हैं सारे के सारे ग्रामीण हैं और ग्राम रक्षा दल के जो सदस्य हैं उनका उनकी भी मदद ली जा रही है। तो इसमें पूरा टाइम ऑपरेशन कंडक्ट कराने के हिसाब से सारे इंतजाम किए गए हैं। सर डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची है, पूरा अंदाजा पूरी जगह से सर्च भी चलाया जा रहा है। हाँ जी, विभिन्न दिशाओं से किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसमें सक्सेस मिलेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी जो आरोपी है वो पुलिस के सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल, हम हर एक पहलू पर वर्क कर रहे हैं और अभी इस एरिया को कॉम्बिंग करी जा रही है। तो सर इसमें जो आम जनता है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है लेकिन जो आम जनता है क्योंकि वो जानती है कि रास्ता कौन सा है, कहाँ पर की चीज़ है। निश्चित तौर पे शुरुआत से ही उनकी मदद ली जा रही है और आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि जो अपने लोकल सभी साथीगण हैं वो बिल्कुल आगे बढ़कर पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ ही टीम्स अंदर जा रही हैं और देख रही हैं। थैंक यू सो मच सर। देखिए देख सकते ही ये थे आईजी उमेश चंद दत्ता, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से पुलिस जो है वो जांच कर रही है और जो आम जनता है, जो यहाँ के जो नागरिक जो लोकल लोग हैं उनकी भी जो मदद है वो यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है जिसमें काफ़ी जो परेशानियाँ हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी होती है उनके लिए ये जो रास्ता है थोड़ा सा अनजान हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो आम आदमी है उन्हें पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, कौन सी तरफ जाएगा, तो वो पता लगाने की के लिए उनके जो सहयोग है वो भी लिया जा रहा है। फिलहाल देख सकते पूरा ये जो इलाका है ये पुलिस छावनी में यहाँ पर तब्दील है, क्योंकि जो क्लू है जो लीड वो मिलती जा रही है पुलिस को और धीरे धीरे जो क्लू मिलता जा रहा है उसके अंदाजे के तौर पे ही जो पुलिसकर्मी है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ये घटना जहां पर हुई थी वो जो ढांडन की जो रोड थी जहां से अभी अपने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी वो वहां पर हुआ था मुठभेड़, उसके बाद में अगर उसकी और यहां की जो दूरी की बात करें तो करीबन यहां की दूरी होगी करीबन 10 से 15 किलोमीटर की यहां पर जो दूरी होगी, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अपराधी हैं जो बदमाश हैं वो इधर से होते हुए इस जगह तक पहुंचे हैं जो क्लू पुलिस को मिला है, और अब पूरा जो जंगल है यहां से क्योंकि इस जंगल में ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इस जंगल में ढूंढने का जो प्रयास अगर हम करेंगे तो मुश्किल से हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चारों तरफ जो जंगल है पेड़ पौधे हैं, ऐसे में जो ये झाड़ियां हैं इसमें भी कोई अपराधी यहाँ पर छुप सकता है आसानी से, हो सकता है पूरी रात यहाँ पर निकालने की जो कोशिश है, क्योंकि वो अपराधी हैं वो यहाँ से निकले हैं बदमाश, तो उनको पता है कि पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है और पूरी तरीके से जो पुलिस है वो उन्हें ढूंढ रही है, तो ऐसे में अभी वो हो सकता है कि वो कहीं छुपे हुए हो, रात का इंतजार यहाँ पर कर रहे हो कि कब रात होगी, रात के बाद में उन्हें थोड़ा सा मौका मिल जाए यहाँ से निकलने को लेकर, ये पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी कर रही है और इस पूरे इलाके के अंदर गाड़ियाँ जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ड्रोन की सहायता ली जा रही है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं, लेकिन सर्च अभियान पुलिस का लगातार जारी है। आईजी रेंज के अधिकारी उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अपराधी हैं, पुलिस पकड़ से दूर है। अभी हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि अपराधी किस तरीके से और कौन से जंगलों के अंदर जा चुके हैं, जिसके बाद पुलिस को अब कठिनाइयां झेलने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि एक मुठभेड़ के अंदर एक बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया, लेकिन बाकी जो बदमाश है वो मौके से फरार हो गए, क्योंकि पास में बिहड़ था। बिहड़ यानी जंगल, जहां पर कोई आता जाता नहीं है। अभी मैं वहीं पर हूँ ग्राउंड जीरो पे, आप देख सकते हैं ये वो जंगल है जहां पर जो अपराधी हैं, जिस तरीके से उनकी जो गाड़ी है वो पलटती है, पुलिस से मुठभेड़ होती है और उसके बाद में वो अपराधी यहीं से इन जंगलों की तरफ भाग जाते हैं। और जो नजारा है आप देख सकते हैं कि जहां दूर दूर तक कोई भी मकान यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, तो वहीं पर ये जो पानी है ये भी बीच में यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस का जो सर्च अभियान है वो लगातार किया जा रहा है। अधिकारियों की मॉनिटरिंग के अंदर लगातार जो टीमें हैं वो बदमाशों को ढूंढने का जो प्रयास है वो कर रही है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक केवल बिहड़ ही दिखाई दे रहा है, केवल पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। और इस जंगल में अब पुलिस को उन अपराधियों को ढूंढना काफी मशक्कत करने वाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो दिन है वो ढलता हुआ जा रहा है और अब जैसे जैसे रात होगी तो पुलिस की जो परेशानियां हैं वो भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरा घटनाक्रम इसी जो जंगल के पास में हुआ था, जहां पर जो अपराधी है वो स्पीड में बोलेरो कैंपर से भाग रहे थे और जब पुलिस ने यहां पर नाकाबंदी की तो उसके बाद उनकी गाड़ी पलट गई और वो जो अपराधी थे इन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद में जो एक अपराधी है सुरेश मीना, उसकी मौत हो गई, तो वहीं पर जो बाकी अपराधी थे वो अपने साथी को छोड़कर इन्हीं जंगलों के अंदर भाग गए। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डकैत कहाँ छुपे हुए हैं। फिलहाल पुलिस अब एक नए प्लान के तहत काम कर रही है, अब ऊँटों का सहारा भी लिया जा रहा है, ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है, ताकि जो डकैत हैं उनके मूवमेंट का पता चल सके। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि जल्द ही अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ये दावे अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये दिन ढलता नजर आ रहा है उसी अंधियारों में कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो अपराधी हैं वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे और जो कारनामे उन्होंने किए हैं उनका पूरी तरीके से उनकी जो सजा है वो भी मिलती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन जोगेंद्र सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, सच बेधड़क, सीकर।